नालंदा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग अब दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। यही कारण है कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आंदोलन पर आंदोलन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में रहुई प्रखंड के मोरा तालाब धाम पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा जल सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जल सत्याग्रह कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए जाप नेता मनीष यादव ने कहा कि अविलंब जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को रिहा किया जाए। जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर साजिश के तहत पप्पू यादव को जेल में कैद करके रखा है, जो नेता लॉकडाउन बाढ़ जैसी त्रासदी में 24 घंटे लोगों की सेवा करता है, उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूढ़ी के घर 39 एम्बुलेंस छुपा कर रखा गया, आज वह खुलेआम बाहर घूम रहा है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा करो और उस एम्बुलेंस चोर जो राजीव प्रताप रूढ़ी है उसे गिरफ्तार किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के युवा विंग के द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि अविलंब पप्पू यादव को रिहा किया जाए। जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के एक साजिश के तहत जेल में कैद करके रखा है, जो 24 घंटा गरीबों की मदद करने में लगे हुए थे, और दूसरी ओर एम्बुलेंस चोर जो अपने घर में 39 सब लोग छिपा कर रखे हुए आज खुलियाम वो बाहर घूम रहा है। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी पप्पू यादव का विलंब रिहा किया जाए और जो एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूढ़ी है उसको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी के खिलाफ में पूरे बिहार राज्य के राजव्यापी जल सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूढ़ी एम्बुलेंस चोर को गिरफ्तार किया जाए।